वाहन चेकिंग के दौरान हुआ कुछ ऐसा कि चौंक गई गया पुलिस। ट्रक का पीछा जब किया गया और ट्रक में जो चीजें मिली उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में जो कछुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे, जिसे गया पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पूरा मामला विस्तार से बताते हैं, उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और गया पुलिस के स्कैच के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। गया पुलिस द्वारा जिले में अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिलों में अपराध कर्मियों के धरपकड़ एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार विशेष छापेमारी वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष बारा चट्टी को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक जिसका निबंधन संख्या इतना इतना है, जिसमें प्रतिबंधित कछुआ को तस्करी कर डोभी की ओर से बारा चट्टी थाना क्षेत्र होते हुए झारखंड की तरफ ले जाया जा रहा है। इस सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए थाना अध्यक्ष बारा चट्टी थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना गेट के पास बैरियर लगाकर सघन वाहन चेकिंग प्रारंभ की गई। चेकिंग के दौरान थाना गेट के पास पुलिस बल को देखकर उक्त वाहन को घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से ट्रक को पकड़ा गया। पकड़ाए चालक से उक्त ट्रक में क्या है जब पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ट्रक जिसका निबंधन संख्या इतना इतना है का विधिवत तलाशी लिया गया, तो तलाशी के क्रम में जिस कपड़ा के बीच में रखा हुआ संरक्षित कछुओं को 25 बोरा में, जिसमें कुल 650 कछुआ बरामद हुआ। पकड़ाए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर रंजीत यादव, पिता पांचू यादव, घर जैकी, थाना बोध गया, जिला गया। दूसरा राजकुमार, पिता उमेश यादव, घर सुरंगा बिघा, थाना फतेहपुर, जिला गया बताया गया। पकड़ाए दोनों व्यक्ति से संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि जिस कपड़ा के थान को राजस्थान के बेलवाड़ा से लौटकर बांग्लादेश के बनगांव लेकर जा रहे थे, कि रास्ते में उत्तर प्रदेश के इटावा से कपड़े की आड़ में प्रतिबंधित एवं संरक्षित कछुओं को चोरी छिपे पश्चिम बंगाल के वर्धमान में डिलीवरी देने जा रहे थे। तत्पश्चात ट्रक एवं संरक्षित कछुओं को विधिवत जब्त कर थाना लाया गया एवं थाना द्वारा वन विभाग को संरक्षित कछुओं को सुपुर्द किया गया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वरीय पुलिस पदाधिकारी, वीडियो में जरूर देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज 10:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि कछुओं से भरा हुआ ट्रक झारखंड की ओर जा रही है। इस पे मेरे द्वारा बारचट्टी थाने को अलर्ट किया गया और थाने के द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया और थाना के पास बैरिकेड करके उक्त ट्रक को रोक लिया गया। उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसमें से 25 बोरे में 650 जीवित कछुए बरामद किए गए। उक्त ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि इस ट्रक में जीन्स के कपड़े लेकर वो लोग पहले राजस्थान से चले थे, जिसे डिलीवरी बांग्लादेश में देने वाले थे, लेकिन रास्ते में इटावा में ये लोग तस्करी के 650 कछुए को भी लोड कर लिया और इस तस्करी के कछुए को ये लोग वर्धमान में डिलीवरी देने वाले थे। पहले भी ये लोग ऐसा कर चुके हैं। इस बाबत वन विभाग के द्वारा FIR दर्ज कराई जा रही है और कछुओं को सकुशल ले उनको सुपुर्द कर दिया गया वन विभाग के द्वारा और आगे ये कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।